हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और अभी जो है वो मैं मार्केट आई हूँ, और मार्केट में क्यों आई हूँ ये देखो मैं बताऊँगी। अभी मैं मार्केट में, गुरुकृपा मार्केट है ये उसके नीचे की तरफ जो अंडरग्राउंड जाता है ना, तो वहाँ पर है ये बहुत सारी शॉप। और यहाँ पर ये जब एंटर करते हैं ना तो राइट हैंड साइड को थर्ड या फोर्थ नंबर पर शॉप पड़ती है, राधे कुछ करके। हाँ ये देखो ये वाली शॉप है, राधे कुछ करके शॉप है, मुझे पूरा नाम याद नहीं है मेरे को। तो इस वाली शॉप पे मैं कुछ यहाँ पे कपड़े देख रही हूँ, और वो क्यों देख रही हूँ इसलिए मैं वो भी मैं बता दूँगी आगे। ये देखो पता है यहाँ पर मोस्टली लोग, पता है क्या होता है कि पहले मैं जब किला रोड से बच्चों के कपड़े लेने होते थे ना मुझे, तो मैं यूज़ टू थी, मैं लीज़ा पूजा, अब नाम सुना होगा जो आसपास के लोग हैं, तो वहाँ से यूज़ टू थी। लेकिन फिर मुझे वहाँ पे अब बहुत टाइम से, मैंने कुछ टाइम ही लिया वहाँ पर, फिर मैंने छोड़ दिया। अगर मैं इधर आती हूँ किला रोड से और मुझे बच्चों के कपड़े लेने होते हैं तो मैं इसी शॉप को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना वैरायटी मिल जाती है लीज़ा पूजा से, तो देखो अच्छी वैरायटी मिल जाती है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन यही है। और मुझे डी पार्क से लेने होते हैं तो या तो रिलायंस ट्रेंड या फिर एग्जोस्टिका, इस तरह से मैं जो है वो मैं कपड़े लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं कपड़े देख रही थी, आप ये सोच रहे हो आपके घर में तो बेटी भी नहीं है और आप किसके लिए जो है वो कपड़े देख रहे हो, तो बस ऐसे ही मन किया तो ले रही हूँ। बता दूँगी आगे ब्लॉग में बता दूँगी आपको इन ड्रेसेस में से कौन सी अच्छी लगी, मुझे बताना ज़रूर। भैया ने बताया, इस भैया की शॉप पे क्या होता है कि ज़्यादा वैरायटी बहुत ही, एक आधी बार ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा वैरायटी देखने, मतलब ज़्यादा वैरायटी ये लोग मेरे को दिखाएं तब मैं उसमें से सेलेक्ट करूँ, नहीं मतलब इस भैया स्टार्टिंग में ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि एक नज़र में जो पसंद आने वाली चीज़ हो जाती है ना, तो मेरे को एक नज़र में ही वही चीज़ें जो है वो पसंद आ जाती हैं। तो बस यही देखो मैं कपड़े देख रही थी यहाँ पर मुझे, और मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया वो चीज़ें मैं आगे जो है घर जाके नेक्स्ट व्लॉग में अब आपको दिखाऊंगी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ना कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि एक तो मैं थक गई थी, दूसरा मेरे को ना वरुण का एग्ज़ाम था, तो वरुण का एग्ज़ाम भी जो है वो कराना था। अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, और कुछ वही बच्चों के साथ मस्ती वस्ती करना, क्योंकि आज तो मैंने देखो दूध भी फ्रिज में नहीं रखा, ध्यान ही नहीं रहा, इतनी थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और आप ये सोचो कि अभी तो हिमांग बीमार था, और अभी अब मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हो, क्या बात है, अभी क्या चक्कर चल रहा है ये सब? तो चक्कर कुछ नहीं है, कोई खास चक्कर नहीं है। हिमांग तो अभी आज भी ठीक है और कल भी ठीक था, और मतलब कल मैंने कम्युनिटी डाली थी ना रात को, हाँ कल ही डाली थी मैंने रात को कम्युनिटी, तो ठीक है। सॉरी, वो ना हिमांग आ गया था बीच में बताने के लिए कि फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो गई थी, वो बताने आया था। तो अभी जो है आप सोच रहे हो कि मार्केट गई थी तो क्या बात है, कुछ शॉपिंग भी कर रही है और ऊपर से शॉपिंग अपने बच्चों के लिए नहीं कर रही है, तो क्या चक्कर, मतलब क्या चक्कर है ये?
तो मे भी शायद कोई बड़ा फंक्शन एक बार फिर से है, क्या है, कैसे है, कौन सा बड़ा फंक्शन है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे डिटेल में बताऊंगी आगे जाके। और अभी तो फ़िलहाल मैं फटाफट से ना जो खाना वाना बनाने की तैयारी में वो कर लेती हूँ। अभी तो पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करने के बाद ही जो खाना बनाने की तैयारी जो मैं वो करूँगी, क्योंकि जब तक किचन साफ़ ना हो ना, तो खासकर बर्तन साफ़ ना हो किचन में उसे, तो क्या होता है कि मुझे काम करने में बहुत सी डिफ़िकल्टी होती है। मेरे अंदर ना इतना बड़ा बोझ जो है वो रहता है कि पता नहीं कितना भारीपन जो है वो मुझे महसूस होता है, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है कि जब तक बर्तन वगैरह क्लीन ना हो। अब ये देखो किचन जो है एकदम साफ़ सुथरी जो है वो क्लीन दिखाई दे रही है यहाँ पर, और पानी इसमें ना मैंने बर्फ़ डाल दिया। और तब तक जो है मैं ये आटा है वो छान लेती हूँ मैं, और आटा छानने के बाद जो है फटाफट से मैं साथ में आटा गूंद के और तैयारी कर लूँगी रोटियाँ बनाने की। और ये सूट मेरा कैसा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन में मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैंने ये कहा था ना कि 3 सूट मैंने टेलर के पास दिए हैं सिलने के लिए, उनमें से ये एक सूट है और आज वो मैंने ये सिल के आ गया था, और सारे सूट जो सिल के कल आएंगे यानी थर्सडे को आएंगे, ये वीडियो वेडनेसडे की है तो वो थर्सडे को आएंगे। बस इसमें मैंने बर्फ़ डाली थी ना तो 3-4 डिब्बे पानी हो गया था, और उसके बाद ये मैंने इसको निकाल लिया था, और अभी फिर से इसमें ना बर्फ़ का मतलब ये पानी है जो इसमें चलता छोड़ दूंगी ताकि पानी जो है जल्दी ठंडा हो जाए। और जिसको ना पानी जल्दी ठंडा करना हो, अचानक घर में गेस्ट आ जाए, तो तरीका सबसे बेस्ट है ये, कैंपर खाली करो और फटाफट से ना जो बर्फ़ का जो पूरी डली होती ना वो इसके अंदर डाल दो, और ऊपर से जो है कैंपर से पानी चला दो। पानी जो है साथ साथ में इतना ज़बरदस्त ठंडा हो जाएगा ना अचानक से, अगर वो भी नहीं कर पाओ ना वो ध्यान ना रहे तो क्या करो, कैंपर में जैसे बर्फ़ डाल दी, बर्फ़ डालने के तुरंत बाद जो है जैसे आपके पास कोई लकड़ी की स्पून है, ये स्पून होती है ना हमारे वुडन स्पून है, या फिर वैसे स्टील की कोई सब्ज़ी वाली चम्मच है जिसे हम तड़का वड़का वो है सब्ज़ी बनाते डालते हैं, तो वाली स्पून है ना 1-2 मिनट मतलब 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट घुमा दो पानी में बर्फ़ के पानी में, और तो बर्फ़ जो है वो बहुत अच्छे से जो पिघल जाएगी और इंस्टेंट जो है वो पानी वो ठंडा हो जाएगा। और बस हमारा हो गया, फटाफट से रोटियां बनाएंगे खाएंगे और फिर जो है बाकी के काम है जो वो कंप्लीट करेंगे। और ये देखो तब तक हिमांक ने कितना कुछ जो है वो फैला दिया है, ये कुछ सामान लेकर आई थी वो भी फैला दिया है हिमांक ने, तो मैं यहाँ से वो उठा लेती हूँ। और सच कहूँ ना मैं आज इतनी थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा इतनी थकावट मुझे ना कभी कभी महसूस होती है, मतलब थकावट इन द सेंस हाथ पैर दुखने वाली थकावट नहीं कह रही मैं, कमर दर्द वाली जो थकावट जो होती ना वो मैं कह रही हूँ, और इतनी जल्दी जो मुझे थकावट होती नहीं है मैं ना ही मतलब काम मतलब इस तरह के काम को कोई काम नहीं मानती हूँ मैं। ठीक है बच्चों को संभालने में थोड़ी सी वो हो जाता है कभी कभी, मतलब हिमांक मेरा बहुत ही ज़्यादा नोटी भी, नोटी तो छोटा शब्द होगा हिमांक के लिए, बहुत छोटा शब्द होगा हिमांक के लिए नोटी, तो बस फटाफट से इसको क्लियर करके यहाँ से, अभी तो बस ये होता है ना कि काम निपटाने वाला काम होता है, काम करने वाला काम जो है वो नहीं होगा मेरे बॉडी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मैं थक गई हूँ। अभी तो बस ये जो जो सामान जा है ना उसको मैं वहाँ पे फिट कर दूँ, बाकी जो है कल सुबह संभालूँगी कौन सा सामान मेरे को कहाँ पर रखना है। एक बार फिर से जो हमारा हिमांक आ गया था उसी के साथ जो मैं बातें कर रही थी, देखो मेरी चूड़ियाँ कुछ अभी मैं यहाँ पर चेक करूँगी कौन सी चूड़ी रह गई है, कौन सी चूड़ी हो गई है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं चेक करूँगी यहाँ पर, कि जो हो गई हैं उसको ये थाली में डाल दूँगी, जो नहीं हुई हैं तो उसको मैं जो है ये देखो ये पर्स देने आया था मेरे को, और जो नहीं हुई है उसको मैं अंदर ड्रेसिंग टेबल में जो है वो डाल दूँगी। हाँ बेटा हाँ हाँ ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एडिटिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम 90% जो है हिमांक जो है वो मेरे साथ ही रहता है, तो हमारी जो है एक दो चूड़ियाँ ही हुई थी, बाकी चूड़ियाँ जो है मेरी बच गई थी। और मेरे पास ना कमेंट भी आया था, दी आप ना अपना शर्मा जी की आईडी से आया था, दी आप अपना सूटों का कलेक्शन शेयर करो, जिस दिन मेरे पास टाइम होगा ना उस दिन मैं जो मैं चाहे मेरे घर के सिंपल सूट है या फिर मैं कहीं बाहर आने जाने में पहनती हूँ, थोड़ा बहुत जैसा भी होगा, सारे सूट तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन जैसा भी होगा वैसे सूटों का जो है कलेक्शन मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर पाऊँ। बस ज़मीन पर जो सामान था वो मैंने उठा दिया है, अब जो है मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में ना बहुत दर्द होने लग गया था,
अब यहाँ से जो सामान जो है ऐसे कैसा मैं उठाऊँगी और उठा के एज इट इज़ जो है यही रख दूँगी। कल संभालूँगी भाई कौन सा सामान मेरे को कहाँ पर रखना है। ये बस एक काम निपटाने वाला काम होता है कि आपको जब ना तबीयत ठीक हो और आपको काम भी करना हो तो जो सामान जहाँ पर उसको वहाँ पर घुसा दो। देखो सच कहूँ मैं तो आज मैं रियली मैं आप सोचो दीदी आप तो ऐसी कैसे बात कर रहे हो, लेकिन आज बस मेरे साथ हो ही ऐसा रहा है। और बस ये सारा काम करने के बाद मुझे बेडशीट वगैरह इस दोनों रूम्स की बेडशीट ठीक करनी है, सोफ़े के कवर ठीक करने हैं और शाम को भी बच्चों ने नहाने के बाद जो कपड़े चेंज किए हैं वो ऊपर वॉशिंग मशीन में डाल कर आने हैं। अगर वॉशिंग मशीन में नहीं डालूँगी तो बाहर जो शूज़ वाली अलमीरा है ना हमारी उसके ऊपर रख दूँगी, लेकिन घर के अंदर नहीं रखूँगी क्योंकि थोड़े बहुत वो कपड़े गीले हैं। और बस ये करने के बाद जो है ये मान के चलो मेरा काम जो है वो ऐसा ख़त्म हो जाएगा कि मेरे को ना चिपचिप चिपचिप फील ना हो या फिर मेरे को ऐसा फील ना हो कि घर जो है वो ख़राब है, क्योंकि आज हिमांग की मनमर्जी चल रही थी और जब हिमांग की मनमर्जी चलती है ना तो बस पूछो मत कहाँ से क्या 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 कुछ होता है। सुबह सुबह इसने मेरी प्रेस इस सूट पर मैंने प्रेस भी की थी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, और बस वो प्रेस जो इसने जो वो होता है ना नीचे से अगर जब पानी जो निकलने वाला ऑप्शन होता है उसको ना बिल्कुल निकाल दिया था उसने, उसकी वो एकदम स्टिक है वो एकदम अलग कर दी थी इसने हिमांक ने। तो वही बात है कि जब हिमांक करता है ना तो बस भाई इतनी खुली छूट मैंने हिमांक को देती नहीं हूँ कभी भी, तू फैला ले बेटा जितना फैलाना होता है। लेकिन आज मैं खुद इतना परेशान हो गई थी कि बेटा जर को जो करना है वो कर ले, क्योंकि 4-5 दिन से खुद बीमार चल रहा था, सारा सामान जो का तो जहाँ था ना वहीं रखा हुआ था, हिल भी नहीं रहा था सारा सामान। मैं कल बेटा तू कर तेरी मर्जी से जो तेरे को करना है ना तू वो कर ले, मैं धीरे धीरे अपना काम कर लूँ अभी फटाफट। सो गाइस अभी जो है रात का टाइम हो गया है और फ्लो पैन भी कर लेते हैं अभी ना, इतना आज सब कुछ फैला गया था। आज वरुण का एग्ज़ाम है ना 15 तारीख है आज, और इतना मतलब एग्ज़ाम मैंने जब तक दिलवाया ना तब तक हिमांग ने इतना कुछ फैला दिया कि कंट्रोल हो ही नहीं पा, कंट्रोल मतलब ये कह सकते हो कि आप ना साफ़ सफाई में ना मेरी आज बैंड बज गई, कमर टूट गई ये कह सकते हो, मेरे बैक में रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन हो रहा है, रीढ़ की हड्डी दुख रही है आज मेरी, इतना सब कुछ फैला दिया हिमांक ने। और ये तो दुख वैसे भी दर्द होना ही था क्योंकि लगातार अभी हिमांक को आराम हुआ, लेकिन लगातार कितने दिनों से ना कि 4-5 दिन तक लगातार मतलब उसको दिन का पता नहीं रात का पता नहीं, गोद में ही लेकर बैठी रहती थी ना, तो ये तो दर्द होना ही लाजमी था भाई, बहुत दर्द हो रहा है मेरा, बहुत दर्द हो रहा है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद द बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की सारी की ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, मेरे सारे ब्लॉग्स हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय। यस मम्मी एक नई टॉर्च चिपक लिया है। अच्छा ठीक है।